नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी महासमर में हर चुनावी पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर ताल ठोक रही है, लेकिन इस महासंग्राम में असल मुद्दे क्या है, ये जानने की क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने जहमत उठाई। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले किए गए सर्वे में जो सामने आया है उसके मुताबिक असली मुद्दे कुछ और ही है, और एक्चुअल में जनता के असल मुद्दे क्या है, अगर इन मुद्दों पर वोटिंग हुई तो क्या ये परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्या कह रहा है ये सर्वे और चुनाव में किन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं मतदाता, आइए आपको बताते हैं। चुनाव से पहले CSDS लोकनीति प्री पोल का सर्वे आया है, जिसमें कहा गया है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत बिगड़ती आर्थिक स्थिति वोटर्स के लिए अहम है और इन्हीं मुद्दों पर जनता वोट भी कर सकती है। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में जब भी बदलाव होता है तो सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीबों पर होता है, उसके बाद कहीं जाकर अपर क्लास का नंबर आता है। हालांकि अपर क्लास पर इसका बहुत ज्यादा असर भी नजर नहीं आता है। सरकार की तरफ से दिए जा रहे आंकड़ों की माने तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, लेकिन CSDS लोक नीति का सर्वे कह रहा है कि देश का वोटर अपने ऊपर पड़ रहे अर्थव्यवस्था के असर से अनजान नहीं है। SC ST OBC वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है, इन 10 वर्षों में हमने उसे दोगुना किया है। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। देश की हालत तो आप जानते हैं, आपके सामने है, आपसे कुछ छुपाया तो नहीं जा सकता। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, आप युवा से पूछिए क्या करते हो, ऐसे हाथ हिला के जवाब देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, काम ही नहीं बचा। छोटे दुकानदार के पास जाइए, स्मॉल बिजनेस वाले के पास जाइए, मिडिल साइज बिजनेस के पास जाइए, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनसे पूछिए आपका काम कैसा चल रहा है। आपसे कहेंगे देखिए, नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने, GST ने हमें बर्बाद कर दिया है। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक 62% लोगों ने नौकरी मिलना मुश्किल बताया है। वहीं बेरोजगारी पर जब लोगों की राय ली गई तो नौकरी मिलना 62% ने मुश्किल बताया, 18% ने कहा कि ये पहले जैसा ही है, वहीं 12% ने बताया कि नौकरी मिलना आसान है। वहीं देश में नौकरी के घटते अवसरों को लेकर 21% लोग केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं, तो 57% लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आइए जानते हैं कि जनता का क्या कहना है कि नौकरी घटने के लिए कौन जिम्मेदार है। 21% ने कहा केंद्र सरकार, वहीं 17% ने कहा राज्य सरकार, 57% कहते हैं दोनों सरकार। वहीं जब नौकरी मिलने की संभावना के बारे में पूछा गया तो 62% ने कहा मुश्किल, 18% ने कहा पहले जैसा ही, वहीं 12% ने कहा आसान। सर्वे के मुताबिक 71% लोगों का मानना है कि देश में पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है और गांव में रहने वाले लोगों पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और ज्यादातर लोग केंद्र को महंगाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए जानते हैं लोगों की महंगाई पर क्या राय है। 71% ने बोला है कि महंगाई बढ़ी है, 13% कहते हैं कि पहले जैसी ही है, वहीं 13% का कहना है कि महंगाई घटी है। आइए अब आपको बताते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है।
26% कहती है केंद्र सरकार, 12% कहती है राज्य सरकार, वहीं 56% कहते हैं दोनों सरकारें। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे में ये भी सामने आया है कि 50% लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई सबसे अहम मुद्दे बनकर उभरेंगे। 2019 में 6 में से सिर्फ 1 आदमी इन मुद्दों को अहमियत दे रहा था, लेकिन 2024 में वक्त बदल गया है। अब ये 4 जून को साफ हो जाएगा कि इन मुद्दों की बयार बहती है या नहीं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।